इस वीडियो में हम प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च के कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है, इनके डेटा सोर्सेज क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को भी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। रिसर्च में दो तरह का डेटा यूज होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको एक रिसर्चर अपनी रिसर्च के लिए खुद से कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जिसको रिसर्चर खुद से कलेक्ट नहीं करता, बल्कि वो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को अपनी रिसर्च में यूज़ करता है। अकॉर्डिंग टू ग्रेटन एंड जॉन्स, प्राइमरी रिसर्च इज़ अ रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल डेटा स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम। प्राइमरी रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हमेशा फर्स्ट हैंड और ओरिजिनल डेटा को यूज़ किया जाता है। एक ऐसी रिसर्च जो प्राइमरी डेटा के ऊपर बेस करती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च के लिए डेटा डिफरेंट मेथड से कलेक्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, सर्वेज, फोकस ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंट्स। ये वो मेथड्स हैं जिनसे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर प्राइमरी डेटा का एनालिसिस किया जाता है। प्राइमरी रिसर्च में चूंकि ओरिजिनल और फर्स्ट हैंड डेटा को यूज़ किया जाता है, इसीलिए प्राइमरी रिसर्च के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। प्राइमरी रिसर्च में हाई क्वालिटी डेटा होता है, वैलिड और रिलायबल डेटा को यूज़ किया जाता है। इसी वजह से प्राइमरी रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं वो वैलिड होते हैं, रिलायबल होते हैं। प्राइमरी रिसर्च की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। प्राइमरी रिसर्च टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि प्राइमरी रिसर्च में रिसर्चर ने खुद से डेटा को कलेक्ट करना है, क्वेश्चनेयर के थ्रू, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू मेथड से। तो डेटा कलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और कॉस्ट भी आती है। इसी वजह से प्राइमरी रिसर्च टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। प्राइमरी रिसर्च में रिसर्च बायस के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर खुद इन्वॉल्व होता है और वो रिसर्च को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। इसे कहते हैं रिसर्च बायस। व्हाट इज सेकेंडरी रिसर्च? सेकेंडरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हैं। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो कि ऑलरेडी किसी रिसर्च में कलेक्ट किया जा चुका है, रिसर्चर ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को अपनी रिसर्च में यूज़ करता है। सेकेंडरी रिसर्च में फर्स्ट हैंड डेटा यूज़ नहीं किया जाता। सेकेंडरी रिसर्च में एक रिसर्चर किसी दूसरे रिसर्चर की रिसर्च में से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और उस डेटा को अपनी रिसर्च में यूज़ करता है। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च सेकेंडरी डेटा के ऊपर बेस करती है। सेकेंडरी डेटा के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, सेंसेस, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जर्नल्स, पब्लिकेशंस, बुक्स, मैगजीन्स, लाइब्रेरीज, इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर्स और डेटाबेसेस। सेकेंडरी रिसर्च में चूंकि रिसर्चर खुद से डेटा कलेक्ट नहीं करता, इसीलिए ये रिसर्च फास्ट होती है और इजी होती है, इसके ऊपर कॉस्ट भी कम आती है। सेकेंडरी रिसर्च प्राइमरी रिसर्च के लिए फाउंडेशन भी प्रोवाइड करती है। सेकेंडरी रिसर्च में हम जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी हैं उन्हीं के डेटा को यूज़ करते हैं और उसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें फर्दर कैसी रिसर्च करनी है। इसीलिए सेकेंडरी रिसर्च प्राइमरी रिसर्च के लिए फाउंडेशन भी प्रोवाइड करती है।
सेकेंडरी रिसर्च की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उसके रिलेटेड डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो आप सेकेंडरी रिसर्च नहीं कर सकते। अगर डेटा अवेलेबल है और उसकी क्वालिटी पुअर है तब भी आप सेकेंडरी रिसर्च नहीं कर सकते, रेलिवेंट डेटा ही अवेलेबल नहीं है। रेलिवेंट डेटा अवेलेबल तो है लेकिन उसके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कॉपीराइट इश्यूज हैं कि आप सेकेंडरी डेटा को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए या तो आपको परमिशन लेना होगी या आपको चार्जेस पे करना होंगे। तो ये सेकेंडरी रिसर्च की कुछ लिमिटेशंस हैं।